नारी से हरदाचन के नाम सुनान रे जिसकी समझ में जिस राजा का नाम आया उसका नाम बताने लगा। लेकिन तेरे कोड़ा और एब बताने लगे दरबार में कमी बन गई। अगर एक किसी राजा का नाम बताता है गुड़ बताता तो दूसरा खड़े होकर के उसने अब गुड़ बताने लगा। परिणाम ये हुआ ये कभी बन गई। दरबार में अगर कोई किसी राजा का नाम लेता है दूसरा उसके अवगुण बताने लगा। किसी ने कह दिया महाराज भगत देश का रहने वाला जरा सिंध कैसा रहेगा, बहुत बड़ा शक्तिशाली है। दूसरा खड़ा हो गया कहने लगा ना ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो कायर है, कायर कन्हैया से 17 बार हार के गया। कहने का मतलब ये है अगर एक किसी राजा का नाम और गुण बताता है दूसरा खड़े होकर के अब गुण बताने लगता है। सुबह से शाम हो गई लेकिन ये तय नहीं होता है रुक्मणी की शादी किसके साथ में हो। एक वृद्ध पुरुष बैठे हुए थे कहने लगे महाराज मैं भी कुछ कहूं। भीष्म कहने लगे हाँ बिल्कुल कहिए। समझाया है कि महाराज एक बात बताओ तुम्हारी बेटी की नजर में मेरी समझ में तो सिर्फ एक ही लड़का है। कौन लड़का है? कहा महाराज द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया। अगर उनके साथ में तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? जो इतने शब्द सुने तो महाराज भीष्मक बड़े खुश हुए। कहा मेरे लाल तुमने तो हमारी मौ की बात ही छीन ली। और अगर कन्हैया हमारे दामाद बनकर के आ जाए तो मेरा ये आंगन पवित्र हो जाए। और इसी बात को सुन लिया महाराज भीष्मक के बड़े वाले लड़का ने। लोगों ने कन्हैया का नाम सुना चीखने लगा आवाज लगाई पिताजी। किसका नाम लिया? उस वाले का जिसकी मां दो दही मट्ठा बेच करके गुजारा करती रही उसका।
लाखों इंसानों के जीवन की बर्बादी हो जाएगी, लाखों के अंबार लग जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, अनेकों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, अनेकों विधवाएं हो जाएंगी, सब जाए। जो इतने शब्द सुने महाराज भीष्म कहने लगे, रे रुको, इतना चिल्ला काई को रहा है? अरे अगर तुझे कन्हैया नहीं अच्छे लग रहे तो तेरी समझ में कोई लड़का हो भाई, तू बता। रुकम कहने लगा, पिताजी तुमने कन्हैया का नाम क्यों लिया? अरे साहब तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, अगर कन्हैया आया ना तो समझ रहे हो ना, समझ रही हो ना? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और कन्हैया को बुलाया, अनेकों श्रृंगार उजड़ जाएंगे, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, खून की नदियां लाशों के अंबार लग जाएंगे, समझ गए? होगी तो तलवारें चली जाएंगी। समझाया है, ये शादी कभी नहीं हो सकती।